आपको समझना चाहिए कि आप नींद में कई नकारात्मक चीजों या सकारात्मक चीजों को बढ़ा सकते हैं। आप नींद में सुखदता या अप्रियता को बहुत कुशलता से बिना रुकावट के बढ़ा सकते हैं। ये बहुत आसान है, सिर्फ नींद की साधना। कम से कम इतना आपको करना चाहिए। आप में से कितने लोग किसी दिन सुबह उठने के बाद बेवजह बहुत बुरा महसूस करते हैं, बिल्कुल बेवजह? अगर साल में कम से कम 2-3 बार भी ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो आपको सोने से पहले कुछ चीजें करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप नींद में कई नकारात्मक चीजों या सकारात्मक चीजों को बढ़ा सकते हैं। आप नींद में सुखदता या अप्रियता को बहुत कुशलता से बिना रुकावट के बढ़ा सकते हैं। आप दिन में भी उन्हें बढ़ा सकते हैं, पर कई रुकावटें होंगी, वो बहुत कुशलता से नहीं होता। पर अगर आप किसी निश्चित तरह से सोने जाते हैं और सुबह बहुत बुरा महसूस करते हुए उठते हैं, बिल्कुल बेवजह, तो मतलब आप रात में बहुत कुशलता से चीजों को सेते हैं, खराब अंडों को। बात सिर्फ मानसिक अशांति की नहीं है, ये समय के साथ बड़ी शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि आप इन चीजों को अपने जीवन से हटाएं। तो रात को सोने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मांस और वैसा भोजन करते हैं तो उसे सोने से कम 3-4 घंटे पहले खाएं, ताकि पाचन पूरा हो जाए। सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर सोने जाएं। आप देखेंगे कि इसी से वो ठीक हो जाएगा। एक आसान चीज की जा सकती है, वो है स्नान। हमेशा सोने से पहले नहाएं, इससे काफी फर्क पड़ता है। इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है, तो आप गुनगुने पानी से नहाएं। रात को गर्म पानी से न नहाएं, गुनगुना पानी लें। यह आपको सजग बनाता है। आप सोचेंगे, अरे मैं सो नहीं पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद सोएंगे, मगर नींद बेहतर आएगी, क्योंकि इससे कुछ चीजें हट जाएंगी। जब आप नहाते हैं तब सिर्फ त्वचा की गंदगी नहीं हटती। क्या आपने देखा है, जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है मानो बोझ लगभग उतर गया हो। क्या आपने ये नहीं देखा है? तो ये सिर्फ त्वचा की सफाई नहीं है, पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीजें होती हैं। स्नान एक बहुत बुनियादी भूत शुद्धि है, क्योंकि आपका शरीर 70% से अधिक पानी है। अगर आप उस पर पानी गिराएं तो एक तरह का शुद्धिकरण होता है, जो त्वचा की सफाई से परे है। एक और चीज अगर आप करना चाहें, आप बस एक जैविक तेल का दिया जला लें, रुई की बाती और कोई भी तेल। यहां आप क्या इस्तेमाल करते हैं? साधारण खाने का तेल, लिंसीड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल या तिल का तेल। आपके पास क्या है? ऑलिव ऑयल, ठीक है। रुई की बाती के साथ कोई भी जैविक तेल लेकर एक छोटा दिया उस कमरे में कहीं जला लें जहां आप सोते हैं। आप देखेंगे कि ये चीजें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अगर आप कोई मंत्र जप सकें या सोने से पहले रात को योगाभ्यास कर सकें तो बिस्तर पर बैठकर उसे करें। अगर आप ईशा क्रिया करना चाहते हैं तो वो नेट पर उपलब्ध है। आमतौर पर भारत में आपसे कहा जाता है कि सोते समय अपना सिर उत्तर दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। आपको पता है, अगर आप रात में उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, जब आप लेटे हुए होते हैं तो धीरे धीरे खून आपके दिमाग की ओर बढ़ने लगेगा। When there's too much circulation in the brain, you cannot sleep peacefully. जब दिमाग में रक्त संचार बढ़ जाएगा तो आप शांति से नहीं सो पाएंगे। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की भीतरी कमजोरी है या आप अधिक उम्र के हैं तो आप नींद में मर सकते हैं।
हेमरेज हो सकता है, क्योंकि ज्यादा खून दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, जहां खून की नसें बाल जैसी होती हैं, और चुंबकीय शक्ति कुछ ज्यादा खून भेजती है। सीधे खड़े होते समय ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप लेटते हैं, सिर की ओर यह खिंचाव इतना तीव्र होता है कि खून धीरे धीरे दिमाग की ओर जाने की कोशिश करता है। तो इससे बचने के लिए, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के लिए है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो आपको सिर दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए। अगर आप भारत में हैं, तो आपको सिर उत्तर की ओर नहीं रखना चाहिए। आप उसे और किसी भी तरह रख सकते हैं, वो ठीक है। इसे अपने मन में रखें कि आप सच में नाशवान हैं, ठीक है? सिर्फ शब्दों में नहीं, सच में। आप अभी मर सकते हैं। आप युवा हों या बूढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी मर सकते हैं। आया ना? सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर सोचें कि यह आपकी मृत्यु शैया है। आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनट और है। पीछे मुड़कर देखें कि आपने आज जो किया, क्या वो सार्थक है? सिर्फ ये आसान अभ्यास करें, और आप नहीं जानते कि ये असल में कब होगा। आप मृत्यु शैया पर बैठे होंगे या अस्पताल में लेटे होंगे, और कई तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी। किसे पता वो कैसे होगा, पर रोज इसका आनंद लें कि आप अपनी मृत्यु शैया पर बैठे हैं। पीछे मुड़कर देखिए कि आज मैंने इन 24 घंटों में जो किया है, क्या वो सार्थक है? क्योंकि अब मैं मर रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। तो रोज रात को सोने से पहले आप सभी को ऐसा करना चाहिए। आखिरी 3 मिनट जो भी चीजें आपने इकट्ठा की हैं, शरीर, मन की बातें, चीजें, छोटी चीजों को अनदेखा मत कीजिए। ये छोटी चीजें बड़ी चीजें हैं। मैंने देखा है कि कैसे लोग अपना तकिया भी लेकर चलते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका तकिया, आपकी चप्पल, अगर आपके रिश्ते हैं, सब कुछ जो आपने इकट्ठा किया है, उसे एक और रखकर सोइए। अगर आप इस स्थिति में सोएंगे तो आप अधिक रोशनी, अधिक ऊर्जा और आपकी कल्पना से भी अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे। बस जीवन के रूप में सोइए, पुरुष या स्त्री के रूप में नहीं, इस या उस रूप में नहीं। सब कुछ नीचे रख दीजिए, बस। ये बहुत आसान है, सिर्फ नींद की साधना। कम से कम इतना आपको करना चाहिए।